दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेलबर्न स्टार और पर्थ ऑस्कॉर्प्स के बीच में होने वाले 31st मैच का, BBL का। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि दोनों, अगर आप टीमें देखोगे तो इनका जो पहला मैच था दोनों टीमों का, जो कि 27th मैच था, वो हुआ नहीं था। और वो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। और आपको पता है कि स्टार के बहुत सारे प्लेयर, तकरीबन 8 प्लेयर और कुछ स्टाफ मेंबर जो है वो कोविड से जो है वो संक्रमित हो गए हैं। तो वैसे केस में मैच जो है वो कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का था। लेकिन यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है कि ये मैच होगा या नहीं होगा, ये तो कल जो है वो पता चलेगा। क्योंकि अभी तक जो है आप देखोगे तो अपडेटेड तो यही है कि मैच जो है ये होगा और वही प्लेयर खेलेंगे जो प्लेयर जो है वो संक्रमित नहीं है। और इस बीच में जैसे कल भी एक टेस्ट हुआ था इनको का, आज भी एक टेस्ट हुआ था और कल भी एक टेस्ट होगा। और इन तीनों टेस्ट जो निगेटिव होगा वही जो है वो खेलेगा, बाकी जो है वो क्वारंटीन में रहेंगे। तो यहाँ पे रूल देखोगे तो थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है कोविड से लेके, क्योंकि यहाँ पे जो है जो निगेटिव पाए जाएंगे वो खेले जाएंगे। और कल से जो मैचेज हो रहे हैं उनमें यही किया जा रहा है कि सबके पहले जो है टेस्ट किया जा रहा है और जो निगेटिव आ रहे हैं उन्हीं को जो है खिलाया जा रहा है। बाकी को जो है वो, जैसे थंडर का जो मैच था कल, तो थंडर के मैच में भी जो है कुछ प्लेयर थंडर के जो है वो आपको देखने को मिला था कि वहाँ पे कोविड से जो है वो संक्रमित थे, लेकिन उनको भी जो है वो स्क्रीनिंग किया गया और टेस्ट के बाद जो लोग निगेटिव आए उनको जो है मैच खिलाया गया। अब यही चीज़ें जो है यहाँ पे भी जो होने वाला है, तो हम देखेंगे किस तरह से जो है ये टीम में हो सकते हैं, क्या क्या जो है वो अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना और बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो। सबसे पहले बात करते हैं, तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है डिटेल्स है, ये व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो। और साथ में आप कॉल पर भी सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको BBL से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और साथ में और ये डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। बात करते हैं मैच डिटेल्स का, तो ये जो होगा 31st मैच होगा और ये खेला जाएगा आपको संडे जनवरी 2 को, और संडे को जो है वो दो मैचेज है। ये जो होगा पहला मैच होगा और ये हो जाएगा 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, जो कि आज का मैसेज था। आज वाला जो मैसेज है वो 10:30 पे था, लेकिन ये जो है कल 10 बजे से मैसेज ये होगा। इसके अलावा बात करें तो ये जैक्सन ओवल मेलबर्न में जो है ये मैचेज खेला जाएगा। और यहाँ पर अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे अभी जब किसी तरह का जो है वो डोमेस्टिक मैचेज देखोगे मेन्स वाले में, तो अभी तक जो है वो हुआ नहीं है, ना ही किसी तरह का जो है इंटरनेशनल मैचेज हुआ है इस ग्राउंड पर। लेकिन यहाँ पर ओमेन वाले मैचेज जो है यहाँ पर हुआ है, और ओमेन वाले मैचेज से हम लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे मैचेज जो है वो रहता है। और यहाँ पे देखोगे तो अगर हम ओमेन वाले मैचेज की बात करते हैं तो टोटल 9 मैचेज जो है यहाँ पे हुए हैं, जिनमें से 5 फर्स्ट बैट ने जीता है और 4 जो है सेकेंड बैट ने जीता है। और फर्स्ट बैट एवरेज जो है, मैं ओमेन्स वालों की बात कर रहा हूँ, वो जो है यहाँ पे 129 है और सेकेंड बैट एवरेज जो है 124 है। और हाईएस्ट भी आप देखोगे तो 177 है, जो कि इंडिया में वो ओमेन ने बनाया था। और यहाँ पे जो वो भी था वो हाईएस्ट चेस ही हुआ था, इंडिया ओमेन ने ऑस्ट्रेलिया ओमेन के खिलाफ जो है वो चेस किया था, 177 रन का टारगेट था। और लोवेस्ट रन आप यहाँ पर देखोगे तो बांग्लादेश ओमेन ने बनाया था, 74 रन यहाँ जो है लोवेस्ट बनाया था। तो ये जो है अभी तक यहाँ की गणना रहा है, लेकिन उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो मैचेज हुए हैं, इसके अलावा हम ODI मैचेज की बात करते हैं, एक ODI मैच जो यहाँ पे खेला गया था और वो खेला गया था ऑस्ट्रेलिया ओमन और न्यूजीलैंड ओमन के बीच में। मेल्स वाले मैचेज जो है यहाँ पर अभी हुए नहीं है। और आने वाले दिनों में आप यहाँ पे देखोगे 2 ODI मैचेज जो है वो भी शेड्यूल है फरवरी में, और वो जो है SS के तहत जो ऑस्ट्रेलिया ओमन और इंग्लैंड ओमन होगा, उनमें 2 जो है ODI मैचेज यहाँ पे खेले जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेनली ग्राउंड जो है यहाँ पे ओमेन्स वाले मैचेज जो अभी तक हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये पहला T20 जो है वो लीग होगा और BBL का, जहाँ पे ये मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये पिच रहेगा, लेकिन जैसे जो मैंने बता दिया कि एक तरह से बैटिंग ग्राउंड पिच जो है कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि BBL में जो भी मैचेज आप देखोगे मेलबर्न के हिसाब से, मेलबर्न का पिच है तो हम मेलबर्न के हिसाब से जो है इसको आकलन करेंगे। जैसे मेलबर्न के बहुत सारे जो स्टेडियम हैं तो अगर उनके हिसाब से देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा जो है बैटिंग ग्राउंड रहेगा, लेकिन लास्ट में जो है थोड़ा सा बॉलिंग की तरह जो है इफेक्ट करेगा और बाउंड्री जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि किस तरह से जो है आपको वेदर फोरकास्ट रहने वाला था। टेम्परेचर जो है आपको 24 डिग्री के आसपास रहने वाला है, ह्यूमिडिटी जो है वो आपको थोड़ा सा मीडियम देखने को मिलेगा, बारिश के चांसेस जो 20% के आसपास, यानी मैच में आपको जो है इंटरप्शन तो है वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का मौसम है, जैसे इंग्लैंड का मौसम होता है कि बारिश कभी भी आ सकता है जा सकता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ये होते रहता है। और इसके अलावा हम टॉस की बात करते हैं, ज़्यादातर चांसेस जो है वो स्टार का है कि टॉस जीत कर जो है पहले बैटिंग करना जो है पसंद करेगा। और अगर हम टीम न्यूज़ की बात करते हैं तो मेलबर्न की तरफ से आप देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल जो है ये लीड करेंगे। और इन ये अभी तक मेलबर्न स्टार का जो है वो अभी रिपोर्ट आया है कि वो कंफर्म कर चुके हैं कि उनके 7 प्लेयर जो है वो कंफर्म है और 8 स्टाफ मेंबर जो है वो पॉजिटिव जो है वो टेस्ट आए हैं कोविड का।
इसके अलावा बाकी जो प्लेयर हैं अभी उनको जो है वो अनाउंस नहीं किया गया कि कौन कौन प्लेयर जो है वो कोविड से जो है वो ग्रसित है, कौन जो है वो नहीं है, तो इसलिए अभी इसमें प्लेइंग इलेवन कटलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम देखते हैं जैसे ही प्लेयर अनाउंस होगा वो जो है आपको मिल जाएगा। पर्थ की बात करते हैं, एस्टन टर्नर जो है लीड करेंगे और ये लास्ट जो है वो 6 कंजिकेटिव मैच जीतने के बाद जो है लास्ट मैच थंडर से हार गए थे, कोई भी चेंजेस की जो है वो उम्मीद इनमें देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं, तो अस्टार के जैसे मैंने बता दिया कि प्लेइंग इलेवन जो अभी तक उन्होंने स्क्वाड ही जो है अनाउंस नहीं किया है कि कौन कौन से प्लेयर जो है वो यहाँ पे कोविड से ग्रसित है और कौन नहीं है, तो हम लोग जो है अभी कटलाइज नहीं करेंगे, उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। और जैसे टीमें आएगा और आपको टीम इलेवन टीम चाहिए तो उससे रिलेटेड जो अभी डिटेल्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सअप का वहाँ पर मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप नंबर से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। और जैसे ही यहाँ पे मैचेज होगा, टॉस होगा, टाइमलाइन आएगा, तो वो जो है हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अगर पर्थ की बात कर लेते हैं एक बार, तो पर्थ में आप देखोगे कि पर्थ में जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, जॉस इंग्लिश, कर्टिस पीटरसन, इसके अलावा मिशेल मार्श, कोलिन मुनरो, एसन टर्नल, इसके अलावा जो है आपको लॉरी एवेंस, एस्टन एगर, एंड्रो टाई, मैथ्यू कैली, जैसन बेरेडॉफ और लॉन्स मेरिस जो है आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग इलेवन में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे कर्टिस पीटरसन, मिशेल मार्श और कोलिन मुनरो, एस्टन टर्नर, ये जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। एस्टन टर्नर को आप छोड़ सकते हो अभी चाहो तो, लॉरा इवेंस काफ़ी अच्छे फॉर्म में है तो आप इनको पिक कर सकते हो और ये जो है काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको दे देंगे। इसके अलावा एंड्रो टाई बैटिंग के लिहाज से तो ठीक है, बॉलिंग में जो है वो अच्छा सा परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा अभी देखने को मिला नहीं, लेकिन ठीक परफॉर्मेंस है। जैसन बेरेडॉफ का ले सकते हो, मैथ्यू कैली का जो है ये भी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे जो आप इनको पिक करके चल सकते हो अगर आप टीम बनाते हो तो। लेकिन अस्टार का जिसने पहले बता अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो अगर आप टीम बना के रखते हो तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में ड्रीम इलेवन टीम आपको बताऊंगा नहीं। और ड्रीम इलेवन टीम के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी टीम होगा, वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको पता है कि वीडियो में जो है वो मिल जाएगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस का, तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देखोगे दोनों टीमें जो है, अस्टार जो है रिसेंट 5 मैच में से जो है वो 3 जीता है, 2 हारा है, और पर्थ की बात करें रिसेंट 5 मैच में से जो है ये 4 जीता है, 1 हारा है, और टोटल 7 मैचों में से जो है ये 6 जीता है और 1 जो है वो हारा है। और यही बात करते हैं हेड टू हेड का, तो हेड टू हेड में आप देखोगे दोनों टीमें 18 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से 8 जो है वो अस्टार जीता है, 9 जो है वो पर्थ जीता है। और इसके अलावा जो है अगर बात करते हैं दोनों टीमों का एवरेज आप देखोगे तो 140 के आसपास एवरेज रहता है। फर्स्ट बैट करते हुए जहां स्टार 3 मैचेस जीता है, वहीं पर्थ जो है 6 मैचेस जीता है। सेकंड बैट करके स्टार 5 मैचेस जीता है और पर्थ जो है वो 3 मैचेस जीता है। और दोनों में आप विनिंग परसेंटेज देखोगे तो 52-53% मैचेज जो है पर्थ जीता है और 47% के आसपास मैचेज जो है आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे स्टार जो है वो अभी जीता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अभी तक आप मुझसे जो है कैसे जुड़ सकते हो, तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पे जो है मुझसे जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल वीडियो सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप मुझसे जुड़ सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम इलेवन टीम जो है वो नहीं बता रहा हूँ, और ड्रीम इलेवन टीम के रिलेटेड जो भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो है आप मुझे व्हाट्सअप पे जो है कनेक्ट हो सकते हो, और ये व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे जो आपको जैसे ही टॉस होगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो।